युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। जसनगर कस्बे में बाईपास को लेकर छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण कई बार लगने वाले जाम से स्थानीय निवासियों के साथ साथ ग्रामीणों को भी उठानी पड़ती है काफी परेशानियां। इन परेशानियों की जड़ है यहाँ का मेन हाईवे। यहाँ कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि कई बार तो दो दो घंटे तक भी नहीं खुल पाता है ट्रैफिक जाम। साथ ही यहाँ पर ही है एकमात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिस कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों को हाईवे क्रॉस करके विद्यालय आना जाना पड़ता है। ये हाईवे विद्यालय के मेन गेट के ठीक सामने है, जो हर रोज एक हादसे की ओर संकेत करता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस बाईपास को लेकर प्रस्ताव रखा। भगवान ना करे अगर किसी दिन किसी प्रकार का हादसा हुआ तो इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वहीं कई बार तो छात्र छात्राओं को जाम लगने में यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार बाईपास के लिए पत्र भी लिखे हैं, जनप्रतिनिधि से, एमएलए से, एमपी से, मंत्रियों से भी चर्चाएं की है और बाईपास सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन क्या पता किस कारण से सरकार की सुस्ती से और प्रतिनिधियों की अनदेखी करने से हाईस्कूल के सामने से इस जंग से ट्रैफिक चलता है, क्योंकि पास में 20 किलोमीटर तीन बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई हुई है, बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं रात दिन और आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है। बस स्टैंड पर जाम लगता है, घंटे घंटे पर जाम नहीं खुलता है। बाईपास की योजना जमीन एक्वायर करने तक मेरे ध्यान में है कि हम उस तक पहुँचे थे पिछले कांग्रेस की सरकार में, उसके बाद में वो किस प्रकार ठंडे बस्ते में गिर गई और ये समस्या ट्रैफिक की जैसे की तैसे बनी हुई है। स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने मेरे को कई बार कहा है कि आप लोग इसके लिए कुछ करो, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि सुन के चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जल्दी से जल्दी हम गांव वाले जाते हैं और अगर नहीं होगा तो इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करने की योजना भी बना रहे हैं। जल्दी से जल्दी बाईपास नहीं निकला, टोल भी लेते हैं, जबकि कानूनन टोल बिना बाईपास के नहीं लेना चाहिए, जबकि टोल चालू है, लोग टोल देते हैं और गांव के बीच में से बहुत बड़े बड़े ट्रक और टोले निकलते हैं रोज, आए दिन, दिन में दो बार चक्का जाम होती है। इसलिए गांव वालों ने कई बार अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को कहा है। अब आपके न्यूज चैनल के मार्फत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो अतिशीघ्र इसके बाईपास की योजना बनाई जाए, नहीं तो पीछे एक बड़ा आंदोलन किया जाए। ग्रामीणों की समस्या की कोई नहीं कर रहा है सुनवाई, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, वहीं प्रशासन सो रहा है गहरी नींद में और सभी जनप्रतिनिधि हैं अपने हाल में मस्त। अब देखना यह है कि इन सबके बीच फंसे इन ग्रामीणों की भारी परेशानियों का कौन करेगा निदान। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग।